आज की कहानी है कुएं में अंगूठी। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर बीरबल के साथ कहीं टहल रहे थे। अब बीरबल के साथ रोज घूमने जाना उनकी आदत तो थी ही। अचानक एक खेत से होकर गुजरते समय अकबर ने वहां एक पुराना कुआं देखा जो काफी समय से सूखा पड़ा था। अकबर बोलते हैं कि बीरबल चलो देखते हैं उस कुएं में क्या है। बादशाह अकबर और बीरबल फिर दोनों ही उस कुएं के पास जा पहुंचे और उसमें झांकने लगे। वह कुआं बहुत ही गहरा था लेकिन उस समय वह पूरी तरीके से सूख चुका था। यह गहरा कुआं कई सालों से बिना उपयोग किए पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा कि बीरबल मुझे नहीं लगता कि यदि इसमें कोई चीज गिर जाए तो कभी उसे निकाला भी जा सकता है। अंदर कितना अंधेरा है और खास तौर पर कुएं के अंदर घुसे बिना तो उस वस्तु को निकाला जाना संभव ही नहीं है। अकबर ने ऐसी मजाक में बीरबल की परीक्षा लेने की सोची और साथ में कई मंत्री भी खड़े थे। तभी बीरबल ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ लेकिन इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। अब बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर ने अपनी अंगूठी उतारी और तुरंत कुएं में फेंक दी। अकबर ने कहा कि देखते हैं बीरबल, यहाँ खड़े मंत्रियों में से यदि कोई उसे बिना निर्जय निकाल सकता है तो हम उसे खूब सारा इनाम देंगे। अब सारे मंत्री तो मुंह लटका के खड़े हो गए कि बिना अंदर जाए कैसे कुएं से अंगूठी निकाली जा सकती है। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल यह मौका हम तुम्हें भी देते हैं। अकबर ने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुमने जो भी कहा कि तुम इसे आसानी से निकाल सकते हो तो तुम कैसे निकालोगे। तुम चाहे तो जितना चाहे समय ले सकते हो। तुम्हें इस काम के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होगी वह तुम सरकारी खजाने से ले सकते हो। अब यह कहकर वह दोनों वापस मुड़ गए। उधर बीरबल ने वापस जाते समय बादशाह अकबर की नजर बचाकर गाय के गोबर का टुकड़ा कुएं में फेंक दिया और इसके बाद वे नगर में वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद अकबर और बीरबल फिर टहलते हुए वहीं कुएं के पास पहुंचे। अब अकबर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय तो यह कुआं काफी सूखा हुआ था लेकिन यहाँ तो पानी लबालब भरा हुआ है और गाय के गोबर का एक टुकड़ा पानी में तैर रहा है। अकबर ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि अरे यह कुआं पानी से कैसे भर गया, बरसात तो अभी हुई नहीं बीरबल। तभी बीरबल ने कहा कि हुजूर इसमें पानी मैंने ही भरवाया है। अकबर ने फिर सवाल किया, ऐसा क्यों किया बीरबल। इसके जवाब में बीरबल ने यह गोबर का टुकड़ा उस कुएं से उठाकर उसे पलट दिया और उसकी पिछली तरफ अंगूठी थी वह अंगूठी निकालकर बीरबल ने उसे साफ पानी से धोया और फिर बादशाह अकबर को पेश कर दिया। और बीरबल बादशाह से बोले, जिस दिन आपने मुझसे कुएं में घुसे बिना अंगूठी निकलवाने को कहा था उसी दिन मैंने यह गोबर ठीक अंगूठी के ऊपर फेंक दिया था और बाद में मैंने इस कुएं में पानी भरवा दिया जिससे यह गोबर का सूखा हुआ टुकड़ा ऊपर आकर तैरने लगा। बीरबल के इस कारनामे से बादशाह अकबर तो बहुत खुश हुए और उन्होंने वह अंगूठी बीरबल को पुरस्कार स्वरूप दे दी और सारे मंत्री आश्चर्य से बीरबल को देखते ही रह गए। तो दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लाते रहते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।